मुरादाबाद के ब्लॉक सचलैट में समाधान दिवस का आयोजन कर ब्लॉक सभागार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सचलैट ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी पीएन चौधरी के अनुसार सचलैट ब्लॉक के सभागार में कुल 3 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें से 2 फरियादियों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और 1 फरियादी की शिकायत का मौके पर जाकर देखने के बाद ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। खंड विकास अधिकारी ने पीएन चौधरी ने मीडिया से बात करने पर बताया कि सचलैट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में 125 आवास आए हैं, जिसे मौके पर जाकर देखा जा रहा है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। जो पात्र की श्रेणी में आएगा उसी का आवास बनवाया जाएगा। सर, आज समाधान दिवस में कितने फरियादी आए? आज 3 फरियादी आए। तीनों का निस्तारण हुआ पेंडिंग में? नहीं, 2 के तो निस्तारण हो गए थे, 1 पेंडिंग है, वो बाद में सत्यापन करा के दे देंगे। आवास की मांग थी वो। क्या क्या समस्याएं सुनी गई? अब जो भी आज के दिन आते हैं अपनी समस्या लेके, जो है चाहे आवास के हों, पेंशन के हों या रास्ते के हों, सबकी समस्याएँ सुनी जाती हैं। अच्छा, इसके आवास की क्या स्थिति है, क्या क्या नियम है इसके? आवास जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके मकान कच्चे हैं, झोपड़ी हैं, तो उनके लिए आवास प्रदान किया जाता है जिनका सेक डाटा सूची में नाम हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने आवास आए? 125 आए हैं इस वित्तीय वर्ष में पूरे ब्लॉक में। हाँ, कितने बन चुके हैं इस टाइम तक? अभी तो आए हैं, अभी तो इनके प्रपोजल मांगे जा रहे हैं और शीघ्र ही उनका प्रथम किसी धनराशि जो है उनके खाते में निर्गत कर दी जाएगी। तो इसका मौके पर जाकर मुआयना हो रहा है कि जांच? हाँ, जांच होती है मौके पे। सेक्टर प्रभारी और सचिव दोनों जाके मौके पर देखते हैं कि ये पात्र है या अपात्र है। पात्र होने की दशा में ही आवाज़ दिया जाता है।